वेलकम माय यूट्यूब चैनल हेयर मैन सजर। हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम आपको कर दिखाने जा रहे हैं फेस मसाज के स्टेप, फेस मसाज करते कैसे हैं, बिल्कुल सिंपल तरीका, और स्टेप बाय स्टेप आपको दिखाएंगे कि फेस मसाज आपको कैसे करनी है। तो सबसे पहले फेस पे बालों को क्लिप लगा लेना है, जो भी आप बालों में लगाते हो होल्ड करने के लिए, बालों को रोकने के लिए वो लगा सकते हो। सबसे पहले आपको जो साफ़ करना है, फेस अच्छे से साफ़ कर लेना है। ये हमारा शेविंग मिल्क होता है जिससे हम सेफ फेस साफ करते हैं, और जिससे हम शेविंग भी सॉफ्ट करते हैं। उससे पहले फेस क्लीन कर लेना है अच्छे से। अच्छे से फेस क्लीन कर लेंगे, जैसे मैं कर रहा हूँ वैसे ही आपको करना है। 1 से 2 मिनट आपको अच्छे से फेस को क्लीन करना है, जैसे मैं कर रहा हूँ ऐसे ही आपको करना है। बहुत सिंपल है, बहुत ईजी है। अच्छे से फेस को क्लीन कर लेंगे, जैसे मैं कर रहा हूँ ऐसे ही आपको करना है। स्टेप बाय स्टेप बस मुझे फॉलो करना है, आपको देखना है मैं कैसे कर रहा हूँ, कैसे मैं आपको बता रहा हूँ। मैं आपको पूरा बताने वाला हूँ अच्छे से कि फेस मसाज आपको कैसे करनी है, फेस मसाज करने का क्या तरीका है, ये मैं आज आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले ऐसे फेस को क्लीन कर लेना है, फिर उसके बाद ऐसे बाउल में पानी ले लेना है, और स्पंज, ये तो सबके पास होगा ही, बाउल कोई सी भी हो चलेगी। मग वगैरह रखते हैं कुछ लोग, मग्गे में से भी हम कर सकते हैं, मगर स्पंज, ये स्पंज बहुत अच्छा होता है, बहुत सॉफ्ट होता है, इससे हम अच्छे से फेस को क्लीन कर लेंगे। ऐसे ही हमें फेस क्लीन कर लेना है, जैसे जैसे मैं कर रहा हूँ ऐसे ही आपको करना है। अच्छे से फेस को क्लीन कर लेना है, जैसे मैं कर रहा हूँ ऐसे ही आपको करना है। बहुत सिंपल है, बहुत ईजी तरीका आपको बताने वाला हूँ फेस मसाज करने का। फिर आप जो भी मसाज करते हो उसको अच्छे से फेस पर लगा लेंगे, जैसे मैं लगा रहा हूँ ऐसे ही आपको लगाना है। आप देख लो, जैसे मैं कर रहा हूँ वैसे आपको लगा लेनी है मसाज। बस आपको मैं आज स्टेप बताने वाला हूँ फेस मसाज करने का, क्या तरीका है, कैसे आपको करना है, बिल्कुल सिंपल तरीका और बिल्कुल आसान तरीका है। आपको स्टार्ट कर देना फेस मसाज, आप चाहे तो फेस से कहीं से भी कर सकते हो फेस मसाज स्टार्ट। तो हमने क्या करा, फोरहेड से, हमने माथे से स्टार्ट कर दिए। जैसे मैं कर रहा हूँ ऐसे आपको करना है, आपको भी ऊपर से मसाज को स्टार्ट कर देना है। आपको मैं दिखा रहा हूँ स्टेप, ऐसे आपको करना है। आप देख रहा हूँ मैं कैसे घुमा रहा हूँ फिंगर, ऐसे ही आपको रोटेट करते हुए फिंगरों को मसाज करना है फेस का। ऐसे ही अच्छे से आपको कर लेनी है। फिर क्या करेंगे, हम फेस पे अच्छे से अप्लाई कर लेंगे, जैसे मैं कर रहा हूँ ऐसे ही आपको करना है। आपको जो करना है ना, अगले जो हमारे हाथ के जो फिंगर होते हैं, जो हमारी उंगली होती है ना, हमें उससे ही मसाज को करना है। हमें ये नहीं कि पूरे हाथ पे रगड़ना है, उससे क्या होगा, हमारी मसाज भी वेस्ट होगी, हमारी जो क्रीम होगी, अगर हम पूरे हाथ से करते हैं तो हमारी क्या होता है, क्रीम ज़्यादा वेस्ट होती है, ख़राब होती है। तो ज़्यादा से ज़्यादा हमें क्या करना है, हमें जो अगले फिंगर होते हैं, हमें जो हमारी जो मसाज होती है वो अगले फिंगरों से ही होती है। मैं कुछ लोगों को देखता हूँ कि पूरे मुँह पर हाथ फेरते रहते हैं, मसाज करते रहते हैं, पूरे अच्छे से पूरे हाथ सान लेते हैं मसाज में, नहीं। हमें जो करना है अच्छे से अगले फिंगर से ही करना है। ऊपर जो मसाज करनी है अगले फिंगर से करनी है, नीचे जो करनी है वो पूरे हाथ से करना है अच्छे से। जैसे मैं कर रहा हूँ ऐसे ही आपको करना है। आप देख लो, जैसे मैं कर रहा हूँ ऐसे ही आपको करना है, अच्छे से करना है। नीचे की तरफ हम ऐसे कर लेंगे, हल्का हल्के हमें कान पे भी हाथ मार देना, जो थोड़ा बहुत डस्ट होगा फेस पे वो निकल जाएगा। जैसे मैं कर रहा हूँ ऐसे ही आप कर लेंगे। आप देख रहा हूँ मैं हाथ जब भी घुमाता हूँ मैं नीचे से ऊपर को लेता हूँ। कुछ होते हैं जो नीचे से ऊपर को लेते हैं, मगर मैं नीचे से ऊपर को लेता हूँ। ये तो सब ही करते हैं, ये भी स्टेप बहुत इजी है, बहुत आसान है। इससे क्या होता है, हमारा अच्छे से मसाज हो जाती है, जो हमारे फेस पर जो डस्ट होता है वो अच्छे से निकल जाता है। जैसे मैं फिंगर को रोटेट करते हुए कर रहा हूँ, देखो ये मैं दिखा रहा हूँ, मैं जो करता हूँ ऐसे करता हूँ। ये स्टेप आपको ऐसे लेना है, और थोड़ा तेज में ऐसे करता हूँ, तेज में आप ऐसे कर सकते हो, और जो मैंने आपको स्लो में दिखाया था वो आपको स्लो में ऐसे करना है। स्लो में पहले आपको देख लेना करना हमें तेज ही है, ये मैं सिर्फ आपको दिखाने के लिए, सिखाने के लिए मैं बता रहा हूँ कि ऐसे करना है, हाथों को ऐसे रोटेट करते हुए करना है, बीच के 2 फिंगर से ही करना है। आप देख रहा हो मेरे 2 फिंगर से ही कर रहा हूँ, मैं तीसरा फिंगर यूज कर ही नहीं रहा उस चीज़ में। तो जो हमारी मसाज होती है वो फिंगर से ही होती है, यो नहीं कि हम पूरे हाथ सान लें, हमारी मसाज क्रीम भी ज़्यादा वेस्ट होगी, ख़राब होगी, पूरे हाथों पर लग जाएगी, ज़्यादा से ज़्यादा हमें यूज करनी पड़ेगी, तो उससे क्या होता है, हमारा ज़्यादा मसाज क्रीम वेस्ट होती है। तो इसीलिए हम फिंगर से ही मसाज करना है, अच्छे से कर लेनी है।
जैसे मैं कर रहा हूँ ऐसे ही आप कर लेंगे। ये देखो आप दो फिंगर से, अगर नाक के पास ऐसे हल्के हल्के हाथों से कर लेंगे। ज़्यादा सॉफ्ट हाथ से करना है हमें, बिल्कुल टाइट हाथ से बिल्कुल भी नहीं करना, ज़्यादा टाइटली हाथ नहीं चलाना। ये ऐसे कर सकते हो आप, अब देख लो जैसे मैं कर रहा हूँ ऐसे, ये ऐसे फिंगरों को हल्के हल्के धीरे धीरे, ये तो हमें धीरे ही करना है, यहाँ तेज हमें बिल्कुल नहीं करना, अन्य हमारी आँख हाथ फिसल के आँख में भी लग सकता है, तो ये चीज़ आपको देखनी है। नीचे से हम ऐसे भी कर सकते हैं जैसे मैं कर रहा हूँ, ये भी हमें पूरे हाथ से नहीं, हम फिंगर से ही कर रहे हैं, हम पूरे उंगलियों से कर रहे हैं। ये नहीं कि मैं हाथ की हथेली इस्तेमाल कर रहा हूँ, हाथ की हथेली जो हमें इस्तेमाल करनी नहीं है, मसाज में हम करते हैं ना वो। ये देखो मैं ऐसे भी करता हूँ, आप ऐसे भी कर सकते हैं, स्पीड से मैं थोड़ा ऐसे करता हूँ, बाकी मैं स्लो मोशन में आपको दिखा रहा था धीरे धीरे करके कि हम कैसे करते हैं। फिर हम मैं क्या करता हूँ, फिर जब मैं फोर हेड की तरफ जाता हूँ फिर मैं ऐसे भी करता हूँ, आप ऐसे भी कर सकते हैं। ये देख रहा दो फिंगर, मैं दो ही फिंगर यूज कर रहा हूँ, ऊपर की तरफ हम जाते और इधर हमें ऐसे कर सकते हैं। ये देखो जैसे मैं कर रहा हूँ ऐसे ही आप कर सकते हो। ये हमारे कुछ मसाज के स्टेप है जो बहुत सिंपल भी है और ईजी भी है, और इससे क्या होता है हमारा जो फेस का डस्ट होता है, देखो कुछ होते हैं देखो जो क्या करते हैं ऊपर से नीचे को हाथ लेते हैं, उससे क्या होता है हमारे फेस का इतने अच्छे से डस्ट नहीं निकल पाता है, इतने अच्छे से ग्लो नहीं आ पाता है। अगर हम नीचे से ऊपर को करेंगे ना हाथ को घुमाते हुए, तो उससे हमारा अच्छे से फेस क्लीन होता है, जो हमारे फेस में डस्ट होता है वो अच्छे से निकल जाता है। देखो फिंगर में दिखा रहा हूँ आपको, ऐसे करना है, एक स्टेप नीचे एक ऊपर, एक बार नीचे एक बार ऊपर, ऐसे अच्छे से आपको कर लेनी है। बहुत सिंपल है, बहुत आसान है, बस आपको देखना है और सीखना है मैं कैसे कर रहा हूँ, ऐसे ही आपको करना है, करना आपको फिंगर से ही है। ये नहीं कि आप पूरे हाथ सान लोगे, नहीं, उससे क्या होता है हमारे पूरे हाथ सनेंगे तो हमारी क्रीम ज़्यादा वेस्ट होगी। और ऐसा नहीं कि आप बिल्कुल भर भर के मसाज क्रीम लगा रहा हो, नहीं, उससे भी कोई फ़ायदा नहीं है। अगर हम ज़्यादा मसाज क्रीम लगा रहा हो तो उससे कोई क्रीम हमारी वेस्ट ही होने वाली है, ख़राब ही होने वाली है, उससे कोई फ़ायदा नहीं है। हमें उतनी ही फेस क्रीम लगानी है, फेस पर मसाज क्रीम उतनी ही लगानी है जितनी की ज़रूरत है। आपने देखा जितनी मैंने लगाई है, आप भी इतनी ही लगा सकते हो, हल्की फुल्की ज़्यादा भी लगा सकते हो, मगर ज़्यादा ये नहीं कि पूरा भर के लगा दिया, उससे हमारा कोई फ़ायदा नहीं है, हमारी क्रीम वेस्ट ही होगी, हमारा प्रोडक्ट ज़्यादा लगेगा, उससे कुछ भी फ़ायदा नहीं है। आप ऐसे भी कर सकते हो, जैसे मैं कर रहा हूँ ऐसे ही आपको करना है, नाक के पास में ऐसे कर सकते हैं और बैक में से हम ऐसे कर सकते हैं। यहाँ यहाँ देख रहा हूँ मैं कैसे फिंगर चल रहा है मेरा, कैसा हाथ चल रहा है, ऐसे ही। ये देखो अभी मैं नीचे की कर रहा था, अब ऊपर को कर रहा हूँ। हम ऐसे ज़्यादातर ऐसे करते हैं ना, तो हमारे फेस पे ग्लो ज़्यादा आता है, ऐसे जो फेस की जो डस्ट वगैरह होता है वो भी अच्छे से निकल जाता है। ये हम ऐसे कर सकते हैं, आप देख लो मैं बिल्कुल प्रॉपर जो स्टेप उस पर आते हैं ना सारे, मैं प्रॉपरली आपको पूरे स्टेप बता रहा हूँ मसाज करने के। और जो हमें मसाज करनी है ना वो 10 से 15 मिनट करनी ही करनी है, 10 से 15 मिनट, ये चीज़ याद कर लो कि 10 मिनट फेस पे मसाज होनी बहुत ज़रूरी है, जब भी हमारे फेस पे अच्छे से ग्लो दिखाई देता है कि हमने कुछ करा है। अब क्या करेंगे हम, अच्छे से फेस को क्लीन कर लेंगे, अच्छे से क्लीन करना है फेस को। अब आप देख लो और मुझे अब बताओ कि फेस पे ग्लो आया है या नहीं आया, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि फेस आपको लग रहा है, कैसा लग रहा है, क्लीन लग रहा है या नहीं लग रहा। वीडियो का स्टार्टिंग देखना और वीडियो का लास्ट देखना और मुझे बताना कि फेस पे कितना फ़र्क पड़ा है। और आप जब भी क्लाइंट को समझाना यही समझाना कि भाई साहब, क्लाइंट को बोलना सर कि धीरे धीरे आपके फेस पे, ऐसा नहीं कि एकदम से, ये किसी को नहीं बोलना कि एकदम गोरे हो जाऊंगा आप एकदम से, नहीं, आपको बोलना है क्लाइंट को, अगर दोबारा बुलाना है तो ये चीज़ बोलनी है कि सर आप कराओ, महीने में एक बार कराते रहो, उससे क्या होगा हमारे फेस पे धीरे धीरे फ़र्क पड़ेगा। ये नहीं बोलना कि हमारे एकदम से एक बार में लगा देंगे गोरा कर देंगे, नहीं, उससे क्या होगा क्लाइंट एक बार आएगा अगली बार बिल्कुल भी नहीं कराएगा, अगर हम क्लाइंट से झूठ बोलेंगे। अगर हम ये बोलेंगे ना कि धीरे धीरे आपके फेस पर फ़र्क पड़ेगा, तो उससे क्लाइंट हमारा बन जाएगा और हमारा हम महीने में एक बार हमसे मसाज कराने ज़रूर ही आएगा। ये देखो हम बैक से भी ऐसे फेस को साफ कर सकते हैं, पीछे से खड़े होकर टॉवल को ऐसे होल्ड करके हम फेस को पूरे अच्छे से साफ कर सकते हैं। आगे से तो आपको पता ही है कैसे करते हैं, अगर किसी पे को बैक से करना है बिल्कुल पीछे से खड़े होकर, तो हम ऐसे फेस को क्लीन अच्छे से कर सकते हैं। मैंने अच्छे से फेस को क्लीन कर दिया, अगर किसी को भी
पार्टी या शादी में जाना है, या हल्का सा आप ये लगा सकते हो, इसे हम फाउंडेशन कहते हैं, हल्का सा लो इतना सा हाथ पे और अच्छे से रगड़ लो, और इसमें से अच्छी एक खुशबू भी बहुत प्यारी आती है, हल्का सा फेस पे ऐसे हाथ फेर दो, उससे क्या होगा थोड़ा सा और फेस पे थोड़ा सा वाइटनिंग आ जाएगी, थोड़ा फेस और ज़्यादा ग्लो करेगा। बस वीडियो हमारी इतनी थी, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लेना।